और चलिए बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के बाद नेताओं के दौरे को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जुम्मे के दिन आज जहांगीरपुरी में कई नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की टीम आज जहांगीरपुरी पहुंच रही है। इसके अलावा एसपी की तीन सांसद समेत पांच सदस्यीय टीम पीड़ितों से मुलाकात करेगी। एसपी के डेलीगेशन में शफीकुर रहमान, एसटी हसन भी शामिल होंगे। आज टीएमसी का भी एक डेलीगेशन यहां पहुंचने वाला है। तो देखिए, सियासी पर्यटन किस तरीके से शुरू हो चुका है। सबसे पहले इसकी शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की थी। कल कांग्रेस का भी 20 सदस्यीय एक डेलीगेशन पहुंचा था। इसके अलावा आज देखिए समाजवादी पार्टी और साथ ही टीएमसी के डेलीगेशन के भी पहुंचने की खबर है। तो कुल मिलाकर यहां पर सियासी रोटियां अब खूब पकाई जा रही हैं। हर कोई इस मौके को अपने फेवर में भुनाना चाहता है। ये टारगेटेड डिमोलिशन है। जहांगीरपुरी में जंग करने आए जिन्नावादी, हनुमान भक्तों से दूरी, दंगाई बन गए जरूरी। जहांगीरपुरी में दंगाइयों की छाती पर बुलडोजर चला तो छाती पीटते हुए ओवैसी रात में ही दौड़े चले आए। ओवैसी लौटे तो कांग्रेस नेताओं का हजूम हाय तौबा मचाते हुए जहांगीरपुरी पहुंच गया। जहांगीरपुरी में ओवैसी और कांग्रेसी दस्तक से दहशत में आई दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप ने अपने विधायकों को जहांगीरपुरी दौड़ा दिया। चंद्रशेखर की भीम आर्मी के नेता भी जहांगीरपुरी पहुंचकर चित्कार करने लगे। वोट बैंक की चिंता और चाहत ने नेताओं के कदम जहांगीरपुरी की तरफ मोड़ दिए और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तो जहांगीरपुरी में जिन्नावादियों की एंट्री होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जहांगीरपुर के बहाने सियासी रोटी सेकने में जुट गए हैं। आज जुम्मे के दिन जहांगीरपुरी में समाजवादी पार्टी के तीन सांसद और दो पूर्व सांसदों की टीम पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी के पांच नेता दंगाइयों के परिजनों और बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। लेकिन पथराव का शिकार हुए हनुमान भक्तों और पुलिस वालों का हाल चाल लेने की जहमत नहीं उठाने वाले हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की भी नजर जहांगीरपुरी पर है। बंगाल की सियासत से उठकर नेशनल फेस बनने के लिए छटपटा रही ममता बनर्जी ने भी अपने नेताओं को आज जहांगीरपुरी जाने को कहा है। बीजेपी शुरू से ही कह रही है कि जहांगीरपुरी हिंसा में यहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का हाथ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए ये जरूरी है कि एनआरसी कानून लाया जाए। और जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दंगा हुआ, लेकिन तब जिन्नावादी नेता दंगाइयों की करतूत पर पर्दा डालते रहे और जब हमलावरों का बुलडोजर से हिसाब किताब शुरू हुआ तो दंगाइयों का दर्द मांटने के लिए जहांगीरपुरी में सियासी सैर सपाटे का सिलसिला चल पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।